पेनियर भाई से हम जानेंगे यानी कि जो बिजली का जो बिल है वो कैसे जमा कर पाएंगे घर बैठे हुए। जितने भी पेनियर भाई के जो रिटेलर हैं वो कंफ्यूज में ही रहते हैं कि सर हम इसको कैसे जमा करें, और बहुत सारे लोगों को जमा भी नहीं करने आता है, तो उनके दुकान पे बहुत सारे कस्टमर्स भी आ जाते हैं लेकिन वो जमा नहीं कर पाते हैं, थोड़ा से प्रॉब्लम्स हो जाता है। या फिर अपने गांव देहात में जो लोग रिटेलर्स बैठे हुए हैं सोचते हैं कि वो पैसा कैसे जमा करेंगे, तो इस वीडियो में हम आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे कि आप पैसा कैसे जमा कर पाएंगे वो भी बिना प्रॉब्लम हुए। तो बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पेनियर बाई एप्लीकेशन को लॉगिन कर देना है और नीचे आपको आना है और नीचे आना है। यहाँ पे देखिए बिल पेमेंट का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल आपको और नीचे आना है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकसिटी का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सिंपली आप देखिए यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना होगा, जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर हो। यहाँ पे देखिए डाल दिए, ये देखिए आपका सिंपली देखिए उत्तर प्रदेश देखिए सिलेक्ट है। ये देखिए आपका अगर आपका जैसे कि हमारा पूर्वांचल का विद्युत विभाग है, अगर आपका कोई और अगर बोर्ड अगर होगा आपका तो वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बोर्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे देखिए बोर्ड आ जाएंगे जहाँ से आपका बिल आप पे कर पाएंगे आसानी से। तो सिंपली आप देखिए यहाँ पे देखिए कस्टमर नंबर आपको डालना है, जो भी आपका बिल नंबर होता है ना वो नंबर आपको डालना होगा। तो अपना बिल नंबर डाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो भी आपका बिल नंबर होगा वो आपको डाल देना है। कस्टमर नंबर जो होता है उसी को बिल नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखिए टिक कर देना है। टिक करने के बाद देखिए गेट बिल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं सिंपली आप थोड़ा आपको वेट करना होगा, जितना भी आपका देखिए पैसा बाकी होगा ये देखिए सब कुछ देखिए यहाँ पे आपका दिखा देगा। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से देखिए आपका सारा देखिए डिटेल्स आ जाएगा, आउट किसके नाम से है, क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, उनका देखिए सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। कब का देखिए पैसा बाकी है, कब तक का देखिए ड्यू है पेमेंट, तब तक का देखिए ये देखिए पेमेंट आ रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहीं पे देखिए पे करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। इस प्रकार से देखिए पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे देखिए पे करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, और आपको सिंपली देखिए यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सब कुछ देख लेना है। देखने के बाद देखिए यहीं पे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू जैसे ही आप देखिए क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, चाहे आप अगर चाहें तो यहाँ देखिए यूपीआई क्यूआर कोड से कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए मेन लेजर वाले ऑप्शन से यानी जो मेन वॉलेट होता है उस वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे सिंपली हमें वेट करना है। यहाँ पे देखिए वेट करने के बाद देखिए हमारा जो बिल है वो देखिए जमा हो चुका है। इस प्रकार से हमारे सामने देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए देखने को मिल जाता है। सिंपली आप देखिए स्क्रीन शॉट हमें ले लेना है, आप क्योंकि जिसको भी आप चाहें उसको देना भी तो होगा जिसका भी आप पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपको अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए गो होम वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। अब हमें बाहर चले आना है। पाएंगे आपको अगर कोई अगर प्रॉब्लम अगर होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश जल्द से जल्द करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।